हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो हम वर्कशीट देख रहे हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 38। ये 1 अक्टूबर की वर्कशीट है और आपका जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर 2 है ये, तो ये उसी पर बेस्ड वर्कशीट है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुद भी अच्छे से देखिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिखा है। अब नेल्सन मंडेला कौन थे? ही वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट, तो साउथ अफ्रीका के ये प्रेजिडेंट थे। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक, तो ये जो चैप्टर है आपका, आपकी ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसी का ये एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। तो इस बुक में क्या क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या है, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी हुई थी उसका जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो भी है इसमें, उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें उसके भी कुछ सेक्शंस हैं इसमें, इस चैप्टर में, और साथ ही साथ वो फ्रीडम फाइटर कैसे बने उस जर्नी के बारे में भी यहाँ आपको बताया गया है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थीट वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम पर नेल्सन मंडेला जी के टाइम पर अपार्थीट की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उसमें साउथ अफ्रीका में, और वो बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस थी क्योंकि उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मतलब कि अगर आपके स्किन का कलर गोरा नहीं है और आपके स्किन का कलर ब्राउन, ब्लैक या किसी भी तरह से डार्क है तो आपको आपको राइट्स नहीं दिए जाते थे, आपको कई सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे। एंड इवन इंडियंस भी, हम इंडियंस भी उसी के अंडर आते हैं, हम भी अगर हमारा थोड़ा सा भी कलर फेयर है तब भी हम फेयर नहीं कंसिडर किए जाते हैं बल्कि हमें ब्राउन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज फेयर वाइट्स का मतलब है जो अमेरिकन वाइट्स हैं या ब्रिटिश वाइट्स हैं। तो उस टाइम पर ये अपार्थीट बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस थी जो फॉलो होती थी। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, तो लोगों के बीच में जैसे मैंने आपको समझाया कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था कि वो कौन सी रेस को, कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं और कौन सा कलर है उनकी स्किन का उसके बेसिस पर। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। अभी मैंने उन्हें आपको बताया कि जो डार्क स्किन के लोग थे उनको बेसिक जो राइट्स अधिकार थे वो भी नहीं दिए जाते थे। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। तो ये जो लेसन है ये एक ओवरव्यू देता है कि मंडेला जी ने एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जिसमें कि कोई भेदभाव नहीं हो कलर के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर, उनकी रेस के बेसिस पर, मतलब कौन सी कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनकी क्या एज है, क्या जेंडर है, वो लड़के हैं या लड़की है, किसी भी बेस पर अगर भेदभाव नहीं हो ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए मंडेला जी ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए, ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं आज की जो एक्सर्प्ट है उसमें क्या बताया गया है आपको। तो मंडेला जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं वो उनके कहे हुए सेंटेंसेस है या उनके लिखे हुए सेंटेंसेस हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो जिंदगी में हर इंसान के दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी होती है, एक तो होती है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी उनकी फैमिली की तरफ, फैमिली में उनके पेरेंट्स, उनके वाइफ, उनके बच्चे, और एक ऑब्लिगेशन होती है उनकी लोगों की तरफ, उनके अपने लोग, उनकी जो कम्युनिटी है, उनका जो देश है उसकी तरफ उनकी ऑब्लिगेशन, उनकी ड्यूटी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। तो एक सिविल सोसाइटी में, एक ह्यूमेन सोसाइटी में हर इंसान जो है अपनी एबिलिटीज के हिसाब से, अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से वो ड्यूटीज फुलफिल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। फिर मंडेला जी बताते हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका के देश में
उनके जैसे इंसान का जिसका बर्थ साउथ अफ्रीका में हुआ हो, मतलब कि वो साउथ अफ्रीकन कल्चर को बिलोंग करते हो और जिनके स्किन का कलर जो है बहुत ही डार्क हो, तो ऐसे इंसान के लिए ये दोनों ही ड्यूटीज करना जो फुलफिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बिल्कुल नामुमकिन जैसा ही था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, कोई अगर डार्क स्किन का इंसान होता था, वो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करता था, मतलब कि अपने अपना उसका एक घर हो, अपने उसकी एक फैमिली हो और अपने देश के लिए वो कुछ करने की अगर कोशिश करता था, तो उसे पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, उसे सजा मिलती थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो मंडेला जी बोलते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, मैं फ्री पैदा हुआ था, मतलब मुझे हर चीज करने की आजादी थी। मैं अपनी मदर की जो हट थी उसके आसपास मैं दौड़ सकता था, मैं जो वहां पर नदी थी वहां पर मैं तैर सकता था, मैं रात को तारों के नीचे अपनी जो छोटी छोटी खाने की चीजें हैं उन्हें रोस्ट कर सकता था, और जो स्लो मूविंग बुल्स थे, जो बैल थे, उनके ऊपर बैठ के मैं आराम से घूम सकता था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। तो लेकिन जब वो बड़े हुए, जब वो बॉयहुड में आए, तभी उन्हें वो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये जो उनकी फ्रीडम थी, ये जो उन्हें लगता था कि उनके पास आजादी है, ये सिर्फ एक इल्यूजन था, ये सिर्फ एक भ्रम था, ये एक्चुअली में रियलिटी नहीं थी। क्योंकि एज अ यंग मैन जब वो बड़े हुए, तब उन्होंने रियलाइज किया कि जब वो छोटे थे तभी उनकी फ्रीडम उनसे, उनकी आजादी उनसे छीनी जा चुकी थी, और जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ तब उन्हें इस आजादी की भूख बढ़ गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। तो जब वो अडल्ट हुए, जब शुरू शुरू में जब वो स्टूडेंट थे, तब उन्हें लगता था कि सिर्फ ये जो टेम्परेरी ट्रांजिटरी जो टेम्परेरी आजादियां हैं, मतलब कि रात को घर से बाहर रहना, या फिर जो मैं पढ़ना चाहता था वो मुझे पढ़ने को मिलना, या जहां मैं जाना चाहता था वहां मुझे जाने देना, ये जो टेम्परेरी जो फ्रीडम्स हैं, तो उन्हें लगता था कि यही वाली आजादी उन्हें बस यही चाहिए। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन जब वो बड़े होने लगे, और जब वो बड़े होके जोहान्सबर्ग में जब वो बड़े हुए, एक बड़े उनकी एज बढ़ने लगी, तब उन्हें और ज्यादा ये यर्निंग होने लगी, और ज्यादा उन्हें इच्छा बढ़ने लगी एक ऐसी फ्रीडम की, एक ऐसी आजादी की जिसमें कि वो जो करना चाहते थे, जो उनको पोटेंशियल था वो कर पाते, वो अपना कमाई कर पाते, वो जॉब कर पाते, कमाई कर पाते, शादी कर पाते, फैमिली रख पाते, और बेसिकली एक ऐसी जिंदगी जी पाते जो लॉफुल होती है, और आराम से हर कोई जिस तरह से वो जिंदगी जी रहा था वैसी वो जिंदगी जी पाते। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये दिखाई देने लगा, सिर्फ उन्हीं की आजादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि जो जो उन जैसे दिखते थे उन सभी की आजादी छीन ली गई थी। दैट इज वेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो वही समय था जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और उनकी जो अपनी आजादी के लिए जो भूख थी वो उनके आदमियों के, उनकी कम्युनिटी की आजादी की भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इन टू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। तो यही जो डिजायर थी, यही जो उनकी डिजायर थी कि उनके लोग जो है आजाद हो जाएं, इसी डिजायर की वजह से, इसी इच्छा की वजह से उनकी जो जिंदगी थी वो ऐसी जिंदगी जीने के लिए उस इच्छा से भर गई कि उनकी जो जिंदगी हो वो डिग्निटी से भरी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हो। और इसी इच्छा की वजह से वो एक जो थोड़े डर डर के रहने वाले इंसान से वो एक बोल्ड और करेजियस इंसान बन गए,
वो एक ऐसे लॉ अबाइडिंग अटर्नी थे, मतलब कि वो हर लॉ को फॉलो करते थे, लेकिन वो एक क्रिमिनल बन गए। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसे इंसान जो अपनी फैमिली को प्यार करता था, वो एक ऐसे इंसान में बदल गए जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा। और ऐसा इंसान जो जिंदगी को जीना चाहता था, वो एक तरह से एक मंक की तरह, एक संत महात्मा की तरह बन चुका था, जो पूरी जिंदगी के मोह माया से ऊपर उठ चुका था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो वो साथ ही मंडेला जी ये भी कहते हैं कि मैं कोई बहुत ही ग्रेट आदमी नहीं था, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी नहीं था, और ना ही मैं बहुत ऐसा इंसान था जो अपना सब कुछ मैंने खो दिया था। मैंने उतना ही कितना किया था जितना और कोई करता, तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर रियलाइज हो गया था कि मैं जो है, मेरी जो लिमिटेड फ्रीडम्स हैं, थोड़ी बहुत जो मेरी फ्रीडम, जो थोड़ी बहुत मुझे आज़ादी मिली हुई है, ये मैं तब तक इंजॉय नहीं कर सकता जब मुझे पता है कि मेरे आसपास के लोग जो है बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो उन्होंने साथ ही ये भी बोला कि फ्रीडम जो है वो भेदभाव नहीं करती है, तो फ्रीडम उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता कि इनको आज़ादी मिलेगी और इनको नहीं मिलेगी। फ्रीडम इस तरह से है कि अगर कोई इंसान जो है, एक भी किसी के ऊपर अगर फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो उसकी पूरी कम्युनिटी आज़ाद नहीं है। और अगर पूरी कम्युनिटी की आज़ादी नहीं है, तो अगर एक इंसान है वो भी उस कम्युनिटी के साथ बंधा हुआ है, वो भी आजाद नहीं है। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस। साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता था कि जो ऑप्रेसर है, मतलब कि जो उन्हें दबा रहा है या जो उनकी आजादी उनसे छीन रहा है, वो भी कोई खुद में आजाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भी आजाद है, बल्कि जो हम ऑप्रेस्ड जो हैं, हम जो दब रहे हैं, हमारे ही तरह वो भी जो है, जो हमें दबाने वाला है, वो भी आजाद नहीं है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि वो इंसान फिर कैसे, वो ऑपरेसर जो है वो कैसे बंधा हुआ है, कैसे आजाद नहीं है। वो इसलिए आजाद नहीं है क्योंकि वो हेट्रेड, वो नफरत के पिंजरे में बंधा हुआ है, नफरत के पिंजरे में उसको एक तरह से कैदी है वो। और वो प्रेजुडिस, मतलब कि किसी के बारे में पहले से ही अजम्पशंस बना लेना और बहुत ही छोटी सोच रखने वाला, इन सब के पीछे जो है वो बंधा हुआ है और वो आजाद नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और इस वजह से जो दबाने वाला है, ऑप्रेसर जो है, और साथ ही जो दबने वाला है, जो ऑप्रेस्ड है, वो दोनों ही जो है एक तरह से इंसानियत के साथ नहीं जी रहे हैं। तो ये जो आपका टेक्स्ट है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो ये जो पूरा सेंटेंस है आपका, यहाँ तक जो ये सेंटेंस है, ये आपका आंसर वन है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन टू है, व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस। तो मंडेला जी की जैसे इंसान के लिए वो आसान क्यों नहीं था, नामुमकिन क्यों था कि वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर पाते। तो इसका आंसर भी यहीं पर है। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ, तो यहाँ माए की जगह आप लिखेंगे मंडेलाज, मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, बिकॉज इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो यहाँ माए की जगह आप लिखेंगे मंडेलाज, MANDELA अपोस्ट्रफी और फिर S, और यहाँ पर लिखेंगे आप बिकॉज, ऑब्लिगेशंस के बाद लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज इन साउथ अफ्रीका, और फिर ये पूरा आपका आंसर टू बन जाएगा। आंसर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन। तो एज अ मैन उन्हें कैसे कैसी फ्रीडम चाहिए थी, तो यहाँ से आप आंसर थ्री लिखेंगे, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई की जगह आप लिखेंगे मंडेला, मंडेला यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग, माए की जगह आप लिखेंगे हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, माए की जगह अगेन लिखेंगे हिज कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ
लॉफुल लाइफ। तो ये आपका आंसर थ्री हो जाएगा। आई की जगह आप लिखेंगे मंडेला, माए की जगह, ये दोनों माए की जगह आप लिखेंगे हिज। फिर चलते हैं क्वेश्चन फोर पर। क्वेश्चन फोर आपका कहता है व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। यहाँ आप लिखेंगे आई की जगह आप लिखेंगे मंडेला। फिर आप शुरू करेंगे स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम। माई की जगह आप लिखेंगे हिज फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक। आई की जगह फिर आप लिखेंगे ही डिड HE। तो यहाँ लिखेंगे आप मंडेला स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज। माई की जगह हिज और आई की जगह ही। फिर आप लिखेंगे दैट इज वेन, अब आई की जगह ही, दैट इज वेन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर हिज, तो माई की जगह लिखेंगे हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। माई की जगह फिर लिखेंगे हिज। तो आप देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में भी इस तरह से आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं तो आपको आंसर्स इसी तरीके से बनाने हैं। तो घबराना नहीं है अगर एग्जाम में इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आए, बस आपको उसे समझते हुए यहाँ पर प्रोनाउंस आपको चेंज करने हैं और आपको अपनी तरफ से ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आंसर को दोबारा अच्छे से और इसको लिख सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन फाइव पर। क्वेश्चन फाइव आपका कहता है व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इंडिविजिबल। ये उन्होंने क्यों कहा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रीडम इज इंडिविजिबल द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ, माई की जगह लिखेंगे मंडेलाज पीपल MANDELA अपोस्ट्रफी और फिर एस मंडेलाज पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ हिज पीपल, माई की जगह हिज वर द चेन्स ऑन हिम, यहाँ पर मी की जगह हिम लिखेंगे। दैट इज वाई मंडेला सेड, दैट इज वाई मंडेला फिर सेड दैट फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल। तो आपको इस तरह से समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन से ही आप आंसर जो है बना सकते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं मंडेला सेड दैट फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल बिकॉज द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑन हिम। तो मी की जगह आप हिम लिखेंगे, ये याद रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन सिक्स। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई वाई नॉट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस आंसर का कि यहाँ से तो आई की जगह आप लिखेंगे मंडेला। मंडेला न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड बिकॉज, फिर आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ, ये तो ये पूरा आपका आंसर सिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो आई की जगह आप लिखेंगे मंडेला। मंडेला न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी दिस इज दिस, ऑपरेस के बाद आप लिखेंगे बिकॉज और फिर आप ये पूरा आंसर ये लिखेंगे, ये आपका आंसर सिक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यहाँ पर आपको पैसेज में से करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढना है। तो ड्यूटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ड्यूटी का मतलब क्या होता है ऑब्लिगेशन। फिर टेंडेंसी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, एबिलिटी तो है कि किसी को कुछ करने की क्षमता, इंक्लिनेशन है कि आपकी क्या टेंडेंसी, आप क्या सोच रखते हैं। टेम्पररी मतलब ट्रांजिटरी, ये है आपका। फिर अनरियलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड या इल्यूजन, इल्यूजन एक भ्रम, एक अनरियलिटी जो रियल नहीं है। फिर है राइटियस मतलब कि जो ठीक करता हो वो है वर्चुअस। फिर प्री कंसीव्ड आइडिया मतलब पहले से एक सोची समझा कुछ जो है, तो आप लिखेंगे प्रिजुडिस। तो ये आपका जो है आंसर सेवन, यहाँ पर क्वेश्चन सेवन हो गया। अब क्वेश्चन एट है आपका इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इश्यू सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको अपने फोन पे जो है अपने फ्रेंड से जो है डिस्कस करना है, ग्रुप्स में डिस्कस करना है और स्पीच प्रिपेयर करनी है किस टॉपिक पर। ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो सच्ची लिबर्टी, सच्ची आजादी वही है जिसमें आप पॉवर्टी गरीबी से आजाद हो, आप डिप्रिवेशन से आजाद हो, आप भेदभाव से आजाद हो और आपको किसी चीज की कमी नहीं हो। इसी पर जो है आपको अपने फ्रेंड से डिस्कशन करके फोन पर एक स्पीच तैयार करनी है फ्रेंड्स के साथ मिलकर।
आज की वर्कशीट में इतना ही है, थोड़ी लंबी वर्कशीट है बट उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए और समझिए इस वर्कशीट को। इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।